सिगरेट सेहत के लिए जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। ये लाइन आपको हर एक सिगरेट की डिब्बी पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद भी लोगों की सिगरेट है कि छूटती नहीं। सिगरेट, बीड़ी, टोबैको, ड्रग्स आज की युवा पीढ़ी को निकल रही हैं। कहीं नशे में झूमते हुए यंगस्टर्स हैं, तो कहीं पढ़ने की उम्र में नशा बेचती हुई लड़की है। टीनेज में ही जिंदगी बर्बाद हो रही है। मीनाक्षी, एक देश तो ऐसा है जहां टॉफी चॉकलेट के लिए बच्चे नहीं रोते हैं बल्कि माता पिता से सिगरेट मांगते हैं, और उस देश का नाम है इंडोनेशिया। लेकिन जरा ठहरिए, अगर ऐसा देश है जहां पर बच्चे अपने माता पिता से सिगरेट मांग रहे हैं, इंडोनेशिया जैसा देश है, तो आइसलैंड जैसा देश भी दुनिया में है जहां नशे के शिकार ना के बराबर लोग हैं। हमारे देश के लोगों को वहां के लोगों से सीखने की जरूरत है, और जितना जल्दी सीख लें उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नशे के मामले में यहाँ के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। भारत में 28 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, 16 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे, तो वहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अलग अलग तरीके का नशा करती हैं। जबकि देश में हर साल टोबैको 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया भर में तंबाकू से होने वाला कैंसर एक साल में 80 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है, और इसमें से 12 लाख के करीब तो पैसिव स्मोकर होते हैं, यानी आपके भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी जो स्मोकिंग करता है उसके आसपास जो कोई है वो पैसिव स्मोकर है। तो समझ लीजिए कि आपकी ये आदत आपके अपनों की भी जान लेती है। हर कश में धुएं के साथ जहर आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार के शरीर में भी आप पहुंचा रहे हैं। वैसे नशा सिर्फ ड्रग्स या सिगरेट का ही नहीं होता है, लोगों को चाय का भी नशा होता है। जो बेशक ड्रग्स, अल्कोहल जितना खतरनाक ना हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक। सुबह सुबह कहते हैं ना उसे, एक प्याली चाय पिला दे। चलिए खैर, और इसीलिए आज लोगों से हर तरह का नशा छोड़ने की अपील की जाएगी, चाहे वो नशा किसी भी तरह की बुराई का हो और चाहे वो नशा किसी मादक पदार्थ का हो। योग गुरु के साथ मिलकर हम नशे से आजादी कैसे हासिल करनी है जानेंगे, और स्वामी जी हमें अब नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। हम योग जो कराते हैं मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, एक के साधे सब सधे, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। योग से सब रोग तो मिटते हैं, बीमारियों के साथ हमारी बुराई या नशे की आदत और जितने भी बुरी आदतें हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ज़्यादा खाना, देर तक सोना, लड़ाई झगड़ा करना, अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज, राष्ट्र, सब के बारे में नेगेटिव सोचना, और ये एकदम अनुभूति का आपको बात बता रहा हूँ। रोज 1-2 मिनट शीर्षासन, सर्वांग आसन करना शुरू कर दीजिए। जो इतना ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर लीजिए, जैसे हमारे साथ भाई बहन कर रहे हैं। फिर यदि किसी को सौभाग्य मिल जाए, यहाँ सिरोधारा भी चल रही है या अभ्यंग भी चल रहा है, ये डिटॉक्स करने के तरीके हैं। जब हम शंख प्रक्षालन करा करके, कोलन थेरेपी, बस्ती करवा करके, पंचकर्मा षटकर्मा करा के, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, सन थेरेपी, ये जो अलग अलग प्रकार से शुद्धिकरण करते, उससे फिर ना, जैसे आप बोल रहे थे इंडोनेशिया में कोई सिगरेट मांग रहा है, कोई चाय मांग रहा है, सुबह सुबह कोई कॉफ़ी मांग रहा है, और ये जो जितने भी ये नशीली चीज़ें और ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं, इनकी डिमांड बड़ी ज़बरदस्त होती है, तलब लग जाती है, तलब। तो मैं बार बार एक बात यहाँ से शुरू करता हूँ, कहता हूँ एक योग की अच्छी आदत डाल लो, सारी बुरी आदतों का अपने आप खात्मा हो जाएगा। जिनसे बन पाए तो ये कर लेना, शीर्षासन और सर्वांगासन, और जिनसे ये दोनों ना हो पाए, शीर्षासन सर्वांगासन, ये 1-2 मिनट से शुरू करके और फिर 5 मिनट तक कराते हैं, और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से अपनी यात्रा शुरू कर दें, सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या है। और कई बार
ब्रेन के केमिकल्स में घोटाला लोचा हो जाता है, और जब एक बार भी नशा कर लेते हैं तो बार बार उसके अंदर से डिमांड बॉडी से भी उठती है और दिमाग में भी एक पागलपन सा छा जाता है। उसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा ब्राह्मी ग्रिड भी हम देते हैं, वो आज बताएंगे। और जिन जो अल्कोहल और बाकी किसी भी ड्रग के एडिक्ट हैं उनके लिए बात एक श्रेष्ठ तरीका है, द्राक्षा सौ पिए चार चार चम्मच से लेकर के, जो बहुत ही पियक्कड़ उनको स्वामी जी जो आपका पहला जो वाक्य था ना थोड़ा करके चाहे सिप सिप करके जैसे एक साधे सब सधे, मैं फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से लाना चाहती हूँ स्वामी जी। जो लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं उनके लिए खुद से इस दलदल से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। वो ये जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो नशे की आदत को छोड़ नहीं पाते। उनकी मदद कैसे की जाए, ये जो एक साधना की आप बात कर रहे हैं, उनके मन को उनके शरीर को कैसे तैयार किया जाए जिससे कि नशे का ये जाल वो तोड़ सके, योग की आदत कैसे डाली जाए? तो बस ऐसा है, एक बार जैसे अनजाने में ही खा पी लिया था, अनजाने में ही ऐसे ही खेल खेल में हंसी मजाक में ही यस क्यूरियसिटी उत्सुकता की वजह से सिगरेट पी ली थी कि भाई पी रहे हैं जरा हम भी पी के देखते हैं इससे होता क्या। तो जैसे अनजाने में किया हुआ नशा फिर छूटता नहीं है, ऐसे ही हमसे बचपन में अनजाने में योग हो गया था और उसकी अब ऐसी लत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई कि 50 सालों से अब वो हमारा स्वभाव बन गया। हम छोटे बच्चे थे, हमें कहाँ पता था कि आज तुम कहते हैं योग से सब रोग मिटते हैं, बीपी शुगर थायराइडस आर्थराइटिस कैंसर एसएलएमएस ऑटोमेटिक डिजीज जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, योग से हम मृत्युंजय बन जाते हैं, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन कंप्लीट बैलेंस रिजुविनेशन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, योग से रोगों से मुक्त होते हैं, भवबंधनों से मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो बातें तो बहुत बात की हैं। तो हमने ऐसे ही बचपन में ये जो आपको अभी मैंने शीर्षासन करके बताया, अभी जो सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ये बचपन में किताबों से ही ऐसे देख करके सीख लिया था, कर लिया था। और तो आज हम सबसे कहते हैं कि आप जाने अनजाने में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही बात बने सही होगा। कलयुग केवल नाम आधारा योग आधारा सुमिर सुमिर नर करत करत नर उतर ही पारा। तो एक बार ऐसी बस शुरू कर दे, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप योग स्वभाव बन जाए। एक बात स्वामी जी बन गए, योग आदत बन गई ना, तो बुरी आदतें अपने आप छूट जाती है। स्वामी जी एक बात जो लोगों को समझना थोड़ी मुश्किल होती है कि आखिर नौजवानों को खासतौर से जो युवा हैं उनको ये बुरी चीज़ें कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि जिसे किसी को देख के वो नशा कर रहा है, कोई नौजवान नशा बेच रहा है, तो ये जो बुराई है ये कैसे नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, खींच रही होती है, और फिर उसके बाद उससे खुद को बचाया कैसे जाए, उससे खुद को रोका कैसे जाए? एक तो ना ये हुसैन भाई इजी मनी है, तो लोगों को पैसा चाहिए, कोई चोरी चकारी करके कमाते हैं, कोई भ्रष्टाचार बेईमानी रिश्वतखोरी करके कमाते हैं, नशे में 2 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक जाती है, इजी मनी है और कोई मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें जब आदमी फंसा तो जिंदगी भर के लिए फिर जेल की हवाएं भी खाता है। अब ये जो एक तो बिना मेहनत के पैसे कमाने की जो एक बुरी मानसिकता पैदा हो रही है, दूसरी चीज इनमें वो केमिकल्स होते हैं, इनका जो प्रोस्ट्रक्चर होता है ना नशे का, वो इसके जो कंपाउंड्स ऐसे हो जैसे हमने बार बार कहा, चाहे वो बड़े नशे हैं और चाहे वो छोटे नशे, इनकी तरफ उठती है चाय कॉफी से लेकर के बीड़ी सिगरेट शराब से लेकर के, फिर इनके बिना आदमी रह नहीं सकता, एक दिमाग में एक पागलपन सा एक जुनून सा सबसे पहले तो हमारी बुद्धि पर अटैक करती है, दिमाग पर, हमारे दिमाग पर कब्जा करती है, हमारे दिल पर हमारी संवेदनाओं पर कब्जा करती हैं, और फिर व्यक्ति इनका गुलाम बन जाता है। तो ये जो गुलामी है फिर उससे व्यक्ति कुछ भी करता है,
और दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं, हिंसा से लेकर के मर्डर से लेकर के चोरी चकारी से लेकर के दुराचार व्यभिचार से लेकर के, ज़्यादातर आदमी नशे के हालात में करता है। बिना नशा करने वालों के भी भीतर एक नशा होता है। वो कहते हैं ना भाई, नशा तो अनाज का ही बहुत होता है, और अपने भीतर जो आदमी को परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, संवेदनाएं दे रखी, ताकत दे रखी, बोले भाई ताकत काबू में ही नहीं आ रही, मतलब जवानी डांटी नहीं डट रही, तो वैसे ही भगवान ने घनी ताकत दे रखी है, तो फिर ऊपर से नशा कर ले। पता नहीं नशे तो को इतना बुरा क्यों कहते हैं स्वामी जी। बरगला जाता है। एक महापुरुष तो कह गए नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब पता नहीं अब मामला क्या है। बहरहाल अभी और बातचीत, नहीं माफी भी मांगते हैं यारो, मुझे माफ करना, मैं नशे में हूँ। आदमी में है नशा, शराब उसको बढ़ा देती है। चलिए चलिए आगे बातचीत को बढ़ाएंगे, उसमें और बहुत सारे राज खुलेंगे। तो आग लगा देती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, सिगरेट हो, गुटखा, पान मसाला, खैनी, इस तमाम सारी चीजें जो है शरीर पर बहुत घातक असर छोड़ते हैं, बुरा असर छोड़ते हैं, और इसकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी खतरे में आ जाते हैं। एक स्टडी तो यहाँ तक कहती है स्वामी जी कि आजकल बढ़ रहे हार्ट अटैक के पीछे भी स्मोकिंग एक बड़ी वजह है, सिगरेट स्मोकिंग एक बड़ी वजह है। तो स्वामी जी सबसे पहले सिगरेट हार्ट अटैक की वजह कैसे बनती है ये समझाइए, और फिर हार्ट अटैक की वजह सिगरेट ना बने उसके लिए क्या किया जाए। तो एक तो सुबह उठ करके ना दौड़ लगा ले, खेल ले, तैर ले, और कुछ नहीं तो दंड बैठक लगाने, भुजंगासन स्पीड से कर ले, और ज़्यादा जो वेग से कर सके, तो जैसे आपने मेरे साथ इंडिया टीम में डिप्स लगाया था और मैंने साथ में ये चक्रासन भी कर, चक्रदंड भी करके दिखाया था, ऐसे जिनसे तेजी से हो जाए ना, तो ऐसे कोई भी अभ्यास ऐसे, और कुछ नहीं तो ऐसे जो है एक बार पूरा पसीना बहा ले, जो ऐसे पसीना बहा लेते हैं तो अंदर से ही अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, इंडोरफिन, कैफेन, सेराटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे वाले जो हार्मोन्स हैं ना वो बढ़ने लगते हैं, खुशी देने वाले, और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक राज बता दिया पहले, तो अब हार्ट के ऊपर आते हैं। तो जो एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं, अच्छा परिवेश जिनको मिला है, फिर उनको नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। तो चलो अब गोमुखासन कराते हैं। आपने कहा कि कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं और ये नशे से हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, किसी को हार्ट फेलियर, दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं, हार्ट और लंग दोनों पर। जैसे स्मोकिंग करते हैं तो उसका फेफड़े पर, क्योंकि वहाँ जाके सारा कार्बन जमा हो जाता है, पहले एक ऐड चला करता था ऐसे फेफड़, और वो सच्ची है फेफड़ा, हमने भी देखा, यहाँ डेड बॉडीज आती हैं हमारे हॉस्पिटल में भी, और मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो उसमें भी हम डेड बॉडी लेते हैं, तो जिनका जो सुल्फा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका फेफड़ा ऐसे निचोड़ो ना तो सच में उसमें से तार मतलब निकलता है, जो है बहुत भयंकर है, ऐसे गाद से निकलती है कचरा, बहुत बुरा क्या बोलते हैं उसको, टार गार जो भी बोलते हैं, शुरू होती हैं और स्वामी जी उससे पहले भी दिखाते हैं वो ऐड, जो बाकी बीड़ी सिगरेट से लेकर के, हाँ फिर भी समझ कहाँ आता है। और फिर ये जो ड्रिंकिंग की आदत है ना, ये 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 हार्ट के ऊपर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर करती है। तो एक तो गोमुखासन बहुत जबरदस्त है लंग के लिए भी, हार्ट के लिए भी, और साथ में जैसे मैंने बताया थोड़ा द्राक्षारसों पीना शुरू कर दें तो सारे नशेड़ी जो है ना सीधे हो जाएंगे, और इसका रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं है, और वो जो तलब है वो नहीं आएगी, गारंटीड है। द्राक्षारसों हमने सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी भी पहले बताया था, वो भी बड़ा फ़ायदा करता है। आज मैं बोल रहा था ये जो मेधावटी मेमोरी ग्रिट है ये भी, और बादाम का रोगन नाक में डालते हैं, बादाम रोगन पीते भी हैं, ब्राह्मी घृत पीते हैं, ये सब चीज़ें मदद करती है। तो एक तो ये गोमुखासन हुआ, मकरासन, भुजंगासन अभी हम कर ही रहे थे, ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कितना अच्छा है ऐसे, फिर एक ये अभ्यास है ऐसे ऐसे, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। अब किसी से ऐसे पूरा नहीं घूमता वेग पूर्वक, तो ऐसे ऐसे ही बैठे बैठे मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन,
एक हाथ से ऐसे क्लॉकवाइज पर ऐसे ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे घुमा ले। नहीं घूमता हो तो थोड़ा सा पीड़ा नील ऑइंटमेंट, पीड़ा नील स्प्रे, पीड़ा नील रोल ऑन, वो उसको थोड़ा साथ में लगा लेते हैं। पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रेट थोड़ा खा लेते हैं या अभ्यास कर लेते हैं। यह हार्ट के लिए, लंग के लिए बड़े जबरदस्त है। भस्त्रिका कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो करवाते ही करवाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। फिर देखो स्कंद संचालन के साथ, देखो ये एक हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे कलाई के पास से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे सिर के पीछे से खींचा। खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी स्वासारी वटी स्वासारी गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त लाभ करते हैं। हमने बीड़ी सिगरेट पिला करके अलग अलग प्रकार के धुएं से एक्सपोजर दे करके चूहों का फेफड़ा खराब किया, इसको एनिमल ट्रायल करते हैं और बाद में उनका 90% तक, किसी का तो 100% पूरा फेफड़ा ऐसे रेस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया था और वो प्राणी मरणासन्न हो गए थे। उनको हमने वापस ठीक कर दिया। अब ये बातें सुन करके कुछ लोगों ने क्या किया, सुबह शाम स्वासारी ब्रोनकोम खाना शुरू कर दिया दो दो, और साथ में सिगरेट भी वैसे के वैसे पी रहे हैं। केवल बाबा जी ने उपाय बता दिया, एक तरफ से निकाल भी रहे हैं एक तरफ से पी रहे हैं। ये कार्यक्रम इसके लिए नहीं बताया वो, हाँ उसको छोड़ करके फिर लेंगे तभी तो रिकवर होगा, नहीं तो वो जो है गड़बड़ हो जाएगा। अब एक तरफ दारू भी पीते रहे और द्राक्षासो भी पीते रहे, वाइन भी पीते रहे, ऐसे नहीं चलेगा, वो छोड़ करके ये। लेकिन स्वामी जी बार बार जो है फिर जो है कार्डियो, नशा तो ठीक है स्वामी जी उसको आप छुड़वाइए, लेकिन ये जो और खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन घनवटी, लेकिन ये जो हमारे पॉइंट दबा ले, शराब पीने वाले भाई बहन है स्वामी जी, ये लोग जो है भारत निर्माण के काम में लगे हुए ऐसा बड़ा दावा किया जाता है तो उनको कुछ नहीं कहना। अच्छा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप। वैसे अगर सेहत इकोनॉमी सेहत अच्छी रहेगी तो इकोनॉमी वैसे भी बूस्ट करेगी स्वामी जी, तो आप हमेशा कहते हैं। अब क्योंकि स्मोकिंग का हम जिक्र कर रहे हैं तो स्मोकिंग की आदत, मैं कहता रहता हूं कि जी कर लो, स्मोकिंग की आदत से किडनी और आंखों पर भी खतरा बढ़ जाता है। नशा इन ऑर्गन्स पर कैसे असर करता है ये बताइए, और जब असर करता है खतरा बढ़ जाता है तो उस असर को कैसे कम किया जाए, कैसे अपने ऑर्गन्स को बढ़ाया जाए, हेल्थ को बढ़ाया जाए, किडनी और आंख तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गी तो मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी आप कर लीजिए। वैसे तो ये तो अनुलोम विलोम तो ये भी करते रहते हैं आप, तो आंखों के लिए शीर्षासन सर्वांगासन भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत ही हमारे हुसैन भाई कर लेंगे और तब तक इनका मौन योग भी हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत भाषण फेलते रहते हैं। वैसे वो भी एक योग है, वो करता भी योग है, मौन भी योग है। तो ये तो इससे आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। आंखों के लिए आई ग्रेट ड्रॉप, उसके लिए त्राटक, उसके लिए अक्षय तर्पण, बहुत उपाय बताते हैं, नंगे पैर चलना दौड़ना आदि। और किडनी के ऊपर जितनी भी नशीली चीज़ें हैं ना ये जाकर के खून में घुल जाती हैं और खून सबसे ज़्यादा हमारे नाजुक जो अंग हैं, नाजुक है हमारा लंग, नाजुक है हमारा हार्ट, नाजुक है हमारा ब्रेन, नाजुक है हमारी आँखें, इस पर असर करती हैं। और किडनी से सारी चीज़ों को फिल्टर करना पड़ता है, तो एक फिल्ट्रेशन तो फेफड़ों में हो तो उसमें फेफड़ों तो पहले ही उसने कबाड़ भर रखा है, पी पी करके ख़राब कर ली, तो वो जो है उसकी जो जहरीले रसायन है नशों के वो खून में चले जाते हैं। किडनी को फिल्टर करना पड़ता है, उस पर जोर पड़ता है, इसलिए किडनी ख़राब होती है। जो आपने पहले कहा GDP, देखो नशा पीने से, खाने पीने से भी GDP बढ़ती है, कारोबार बढ़ता है, फलता फूलता है, जितने भी तमाखे हैं, गुटके हैं, बीड़ी सिगरेट शराब है, तो इससे शराब बेचने वालों को, नशा बेचने वालों को लाभ होता है, लेकिन शराब पीने वाले बर्बाद हो जाते हैं। जो नशा नहीं करते मेरी तरह से, जो नशा नहीं करते हुसैन भाई की तरह से, दोस्तों मीनाक्षी जी की तरह से, रजत शर्मा जी की तरह से, जो हमारे इंडिया TV के प्रमुख हैं, एडिटर इन चीफ हैं, तो वो फिर खूब पुरुषार्थ करते हैं। तो नशा न करने से पूरे देश की GDP बढ़ेगी और नशा बेचने से 2-4% लोग जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं उनके पास में अकूत धन दौलत आ जाएगी, बाकी सारे बर्बाद। एक एक गांव में 5-5, 10-10 करोड़ का नशा बिकता है, पूरे देश में 100-200 लोग, 500 लोग ज़्यादा से ज़्यादा नशा बेचने वाले करोड़ों अरबोंपति हो जाते हैं और पूरा देश दरिद्र हुए जा रहा है। पेड़ लगाने से भी GDP बढ़ती है और पेड़ काटने से भी GDP बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा करने से भी GDP बढ़ती है, क्योंकि इससे पैसा जाता है, डॉक्टरों
सिर फूटते हैं, डॉक्टरों के पास पैसा जाता है, केस होता है तो वकीलों के पास पैसा जाता है, पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत अपना प्रसाद ले लेते हैं उनसे। तो झगड़ा करने से भी जीटीपी बढ़ती है, और झगड़ा ना करें, प्रेम मोहब्बत से रहे, सब नर करें, परस्पर प्रीति चले, स्वधर्म निरत सुत नीति, तो जीडीपी बड़ी खतरनाक है, इसके चक्कर में नहीं आता। ये प्रसाद वाला चक्कर भी बड़ा कमाल का है। बहरहाल स्वामी जी, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और रीनो ग्रिट बड़ी जबरदस्त है। गोखरू आजकल फ्रेश हो रहा है, अभी बरसात के बाद बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। नीम पीपल के पत्तों का रस, वृक्ष दोष शरबती, वृक्ष दोष शरबत, सप्ताह में एक बार कम से कम कुलथ की दाल पी लेना, सप्ताह में एक बार कम से कम जौ का आटा या दलिया खा लेना। जी मेरे भाई, ओट्स भी बड़े अच्छे होते हैं किडनी के लिए। स्वामी जी, देश में कुल कैंसर के जो मामले हैं उनमें 27% जो मामले हैं वो तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। सिगरेट गुटखा खाने वाले जो लोग हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, मुंह का, गले का और लंग्स का कैंसर। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो इस तरह के कैंसर से खुद को बचा ले? पहले तो नशे से बचा ले, और नहीं छूट पा रहा है तो कम से कम कैंसर से खुद को बचा ले। तो पहला रूल तो यही है कि नशा छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है स्वामी जी? अच्छा बताओ, नशा छोड़ने में देखो कितनी देर लगती है। ये किसी ने सिगरेट पी रहा है कोई, और ऐसे पीता पीता ये ऐसे छोड़ दे, इसमें कुछ समय थोड़ी लगता है। संकल्प चाहिए मन में, संकल्प तो नहीं हो पाता है लोगों से, नहीं करना। तो जिस दिन ठान लिया, अरे उस दिन तो सब कुछ छूट जाता है। हमने तो घर परिवार छोड़ दिया, सारे संसार के भोग ऐश्वर्य छोड़ दिए, सत्ता संपत्ति सारी दौलत को ठोकर मार दी। क्या है ये छूटने छाटने वाली बात है, एक क्षण में सब कुछ छूट जाता है। और ये संकल्प हमने अपने सबसे पहले दादा से कराया, फिर अपने बापू से कराया। ओह बहुत उक्का पिया करते, बीड़ी मिल जाए तो वो बेर घट दिया करते। तब दादा की तो यूँ कह के छुड़वाई, वो कहता छोरो पढ़ लो। मैंने कहा पढ़े कब दादा, तू उक्का पीवा है, ये हमारी आँख फोड़ा है, पढ़ने ही नहीं देता, आँख मिच जाती है, बंद हो जाती है हमारी। फिर बापू जो है वो थोड़े चालाक थे, तो उन्होंने कहा जहाँ मैं उक्का पीता हूँ वहाँ मत बैठा करो, दूर जाके पढ़ा करो। तो मैंने कहा बापू या तो छोड़ दे, नहीं तो हम भूख भरेंगे। तो हमने भूख हड़ताल कर दी, तो दो दिन तक तो सुधबुद्धि नहीं ली, तीसरे दिन फिर दया आ गई, बोला छोरा खा ले, मैं तो छोड़ दूंगा। तब छोड़ा था, आज शायद 40 साल हो गए। तो उसके बाद लोग कहते छूटता नहीं, सुबह से शाम तो उठते ही सिलगा लेते थे उक्का, और औरों को और पिलाते, तो ये सब छूट जाता है। संकल्प चाहिए, और देखो प्यार से छूटता है, इसलिए मैं आज सबको प्यार से ही बोल रहा हूँ भाई, सब कुछ छूट जाता है। और इससे देखो घर बसेगा, परिवार बसेगा, और बच्चे एक अच्छी प्रेरणा लेंगे। नहीं तो जो नशा करने वाले माता पिता है ना, वो बच्चों के सामने एक गलत एग्जाम्पल पेश करते हैं। और हमारे गुरु जी कहा करते थे, किडनी के लिए अभ्यास पूरे हो गए, बोले भाई अपना इतिहास खराब मत करो, माता पिता ऐसा आचरण करे जिसका अनुकरण करके बच्चों को गौरव की अनुभूति होती हो, तो खैर छूट जाएगा, संकल्प से छूटेगा। मैं तो रोज़ छुड़ाता हूँ यहाँ पर, लोग आकर के शराब आप बात कर रहे हो, यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, उसमें से कम, और आपने जो आंकड़े बताए ना, ये लोग बताते ना, जब कोई पूछने जाता है तो कोई नहीं कहता मैं शराब पीता हूँ, हैं ये बहुत ज्यादा है आंकड़े, 100 करोड़ से ज्यादा नशेड़ी हो गए हिंदुस्तान में। आपने पहले तो ऋषि पुत्र हैं हम, और शिष्य पुत्र हो जाते हैं सांझ ढलते ढलते काफी लोग। स्वामी जी आपने तो लोगों का गेहूं और चावल छुड़वा दिया, की बात मत करो। तो नशा क्या चीज है वो भी लोग छोड़ ही देंगे, लेकिन स्वामी जी योग से लोग अगर नशा छोड़ भी दें, मिनट्स पर आ गए लोग, हाँ लेकिन स्वामी जी ये योग से अगर लोग नशा करना छोड़ भी दें, कई लोगों ने छोड़ा भी है, लेकिन फिर उन्हें नर्व्स की परेशानी हो जाती है, उन्हें एक बेचैनी सी, एक घबराहट सी रहती है, और फिर मेमोरी कमज़ोर होने की भी प्रॉब्लम होती है। तो स्वामी जी यहाँ से रिकवरी फिर कैसे की जाए? नस नाड़ियाँ और ये नर्वस सिस्टम की कमजोरी किसी किसी का ना, नशा छोड़ने के बाद खास करके जो सिगरेट पीते हैं ना उनका वजन बहुत, तंबाकू वालों का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो मरकटासन तो हम रिलैक्सेशन के लिए कर रहे थे, नस नाड़ियों के लिए भी अच्छा है, फिर ये अर्धालासन भी करें, पाद वृत्तासन भी करें, और मेदोहर वेट गोर गोधन अर्क पीले, शुद्धिकरण भी हो जाएगा, और इच्छा ही नहीं होगी फिर नशे की, और वजन नहीं बढ़ेगा।
एक तो ये बताया, दूसरा ब्रेन के लिए मेमोरी ग्रिड मेधावटी, और किसी किसी को तो मैंने देखा आज से 30 साल पहले की बात है, उस समय जो है मैं मॉडल टाउन में गया तो एक आदमी मिला, उसका हंसराज नाम, और पूरा परिवार दुखी, उसका भाई हरिओम भी उससे दुखी, बोले स्वामी जी इसका छुड़वा दो, और बोले जी जब ये नहीं पीता तो हाथ कांपने लगते हैं, सिर हिलने लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, और एक कदम भी चल नहीं सकता, ये हालत हो जाती इसकी। तो ऐसे में क्या करें, मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो खाने के बाद दे दें, न्यूरो ग्रिड और इम्यूनो ग्रिड खाली पेट दे दें, तो ये कंपन खत्म हो जाएगी, और हो सके तो मेधा इष्टि से हवन और अनुलोम विलोम करवा दें। अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है, और ये जो मरकटासन हम कर रहे थे अभी सीधे लेट के ऐसे मरकटासन, जब हमने योगाभ्यास शुरू किया था तो आकाश में मेघ पूरे आच्छादित थे, अब भगवान सूर्य देव का प्रकाश पूरी प्रखरता से आ रहा है, और मेरे साथ यहाँ पर पहले तो मिट्टी पट्टी हो रही थी, हजारों साधक एक साथ एकीभूत हो करके सुबह उठ करके ना सूर्य उदय से पहले उठते हैं ना तो अपने आप ही भाग्य उदय भी हो जाता है, अपने आप पॉजिटिविटी आती है, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है कि सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें या सूर्य का त्राटक करें, और सूर्य के सन्मुख हो करके, और सूर्य के सन्मुख होने के साथ साथ गुरु भगवान के अभिमुख हो करके, सन्मुख होइ जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तो जिनको ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, तो ये न्यूरोग्रिट और मैंने साथ में कहा इम्यूनोग्रिट, ये खाली पेट, और ये मेधावटी मेमोग्रिट ये खाने के बाद ले लेना, तो ये पूरा का पूरा बखेड़ा खत्म हो जाएगा। और बादाम रोगन या अखरोट का तेल ये नाक में डाल भी देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, और साथ में प्राणायाम, और ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन कर लें, और जो इतना भी ना कर पाए ये भुजंगासन आराम आराम से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, पूरी इम्यूनिटी के लिए, सब प्रकार के नशा से मुक्ति पाने के लिए, और ये शलभासन बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे भी, और फिर एक हाथ ऐसे आगे करके, हम करीब करीब ये रोज़ ही करवा देते हैं, अब तो रोज़ हमारे साथ लोग योग करके सभी बीमारियों से, बुराइयों से, सब प्रकार के नशे से, वासनाओं से, संस्कारों से, भोगों से, बंधनों से, सबसे धीरे धीरे मुक्त हो रहे, जीवन मुक्ति की युक्ति है ये पूरे योग की साधना, बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे, और इसके लिए ना अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी बहुत ज़बरदस्त लाभ करती है, इसलिए आज के हमने हर दिन 8:30 बजे हम कुछ नया बताते हैं, और जो कुछ हम योग में सहज रूप से कहते हैं उनको डिटेल में जा करके, ये ब्राह्मी, ये शतावर, ये अश्वगंधा, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए परम औषधि, इनका पाउडर ही खा लें और एक्सट्रैक्ट ले लें तो और 10 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है वो, तो इनका एक्सट्रैक्ट या इनका पाउडर खा लें, और गाय का घी खाना भी, और गाय का घी नाक में भी डालना, नहीं तो ओमेगा और ये ब्राह्मी घृत बड़े ज़बरदस्त हैं। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो ये हाथ पैर जो कांपते रहते, बाकी सूक्ष्म व्यायाम भी कर ले, और कुछ नहीं था। ये नशे को लेकर के स्वामी जी हमारे समाज का जो रवैया है ना, वो दरअसल बड़ा दोहरे तरीके का, बल्कि माफी के साथ कहूँगा बड़ा मक्कारी वाला है। नशा बुरा है, अच्छा है, बुरा नहीं है, ख़राब है, कैसा है, इसको लेकर के दो तरह की बातें लोग करते हैं। अगर बुरा है तो आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, कभी वो अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, ये बड़ी ख़राब सी चीज़ है समाज को, अपने रवैये को उसको लेकर के हिसाब से चीज़ें हैं। तो अगर बुरा है तो फिर वो सोसाइटी में से बिल्कुल खत्म कर दे। अरे ये सब मधुशाला और पूरे शराब के गाने फिल्मों में सीरियल वो क्या प्रेम कराती मधुशाला, पहली बार हुआ है बैर कराते पीएमओ। हाँ देखो, देश का पीएमओ पहली बार नशे से मुक्त हुआ, उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन। ना वहाँ नशा, ना बीड़ी सिगरेट शराब, ना मांसाहार परोसा जाता है, नहीं तो अरे अब G20 में किसी को बीड़ी सिगरेट शराब और मांसाहार नहीं परोसा गया। अब किसी ने होटल में अपने आप दुबक करके पी लिया हो तो अलग है। तो ये तो देखो,
ये अब कम से कम ये माहौल अच्छा बना है हुसैन भाई। और देखो इस्लाम में बोले शराब पीना नापाक है, हराम तो है। लोग थोक के भाव में सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, गुटखा खा रहे, तो बच्चे लम पी रहे, ये क्या बात हुई भाई? अरे सारा ही नशा बेकार है। अच्छा चलो इस्लाम में, इसलिए जितने भी इस्लामिक कंट्रीज आपको पता है, सऊदी अरब से अबू धाबी से लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं शराब की एक भी फैक्ट्री नहीं, वह शराब बनाना बेचना पीना उसको नापाक अपराध समझते हैं, नापाक समझते हैं। अच्छा तो भाई इस्लाम में नशे के लिए निषेध किया हुआ, तो भगवत गीता में, दर्शन उपनिषद, वेदों में, पुराणों में नशा करने के लिए लिखा हुआ, तो हम ऋषियों की संतान होकर के क्यों नशा कर रहे हैं? तो कोई नशा नहीं करना, ना भगवान राम ना भगवान कृष्ण, शिव को लोगों ने बदनाम किया कि भंग पिया करते थे, जड़ी बूटियां खाया पिया करते थे, भांग तो नहीं पीते थे, कोई शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है। और एक आम आदमी नशा कर ले तो वही उतना उत्पात मचाता, भगवान जिस दिन नशा कर लेगा उस दिन तो प्रलय हो जाएगी। ये कुछ नशेड़ियों ने जो है, भंगड़ियों ने भगवानों को भी बदनाम कर दिया है, भगवान शिव को, काल भैरव को, वो तो भैरवनाथ को, भैरवनाथ तो बहुत बड़े योगी थे, अब उनको बता रखा हो दारू पीते थे, अरे पावड़ो, तो इन दारू पीने वालों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, ये लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक्सक्यूज तलाश किए भगवानों को कनेक्ट करके उससे। बहरहाल स्वामी जी, जिनको नशे की आदत लग जाती है वो लंबे वक्त के बाद फिर एक्सक्यूज तलाश, हाँ लंबे वक्त के बाद डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। इसमें ओंकार ध्यान कितना कारगर है, प्राणायाम कितना कारगर है, अब जरा उसका एक्सेशन करवा दीजिएगा। हाँ ये आपने एकदम बहुत अच्छा कहा। हाँ ये ना, नशे से आदमी का मन बड़ा कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर है आदमी, नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है और फिर कहता है मेरा तो मन नहीं लगता, मन बेचैन हो जाता है। फिर भाई ऐसे ही बेचैन होता तो अभी तक तो हम तो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, दुख सागर में डूब के मर गए होते, हम तो नशा नहीं करते, हम तो मस्त रहते हैं और 24 घंटा ऐसे रहते हैं। कुछ तो कहते हैं बाबा आपको सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक देखते हैं, ऐसे मस्त रखो, क्या पी रखी है, क्या खा रखा है? अरे भाई भगवान के नाम का अमृत पियो, एक बार करके देखो ऐसी, और भगवान की भक्ति के साथ करो, वो खुदा वो अल्लाह अलमाइटी गुण वाहे गुरु अकाल पुरख परमात्मा जब उसके साथ लो लग जाती है, और फिर जब करते हैं ना ऐसे, ओ ऐसी धुन लगती है, ऐसी लगन लगती है, मस्ती उतरती ही नहीं, ये क्या पी और उतर गई, ये क्या है सब? हम तो भाई ऐसी पी करके बैठे हुए हैं, ऐसा पी रखा है योग का अमृत, ऐसी पी रखी है जड़ी बूटियाँ, और ऐसा पी रखा है प्रभु नाम का अमृत प्याला और योग का अमृत का प्याला। ये भस्त्री का बड़ा ज़बरदस्त है, 1, 2, 3, 5 मिनट ऐसे लगातार कर ले, और साथ में फिर कपाल भाती भी 10-15 मिनट ऐसे ही भगवान नाम स्मरण के साथ करें, नाम जपो, किरत करो, मटके छको, और जब ऐसे भगवान नाम, नाम की भी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई, तो ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान की जो शरणागति है ना, उसमें तो ऐसी तृप्ति मिलती है ना, ये दुनिया के क्षणिक आकर्षण हैं, ये क्षणिक नशे हैं जो थोड़ी देर आपके दिमाग को सुन्न कर देते हैं, बाद में जिन परिस्थितियों से आप दुखी, तो वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, या अपनी ही खराब आदतों से, अपने ही कारण से हम कई बार दुखी रहते हैं, कई बार दूसरों के कारण से भी दुखी हो जाते हैं। तो देखो जो योगी होगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे ध्यान के साथ करना, भक्ति के साथ करना, भजन कीर्तन के साथ करना, और ओंकार ध्यान, श्वासों पर ध्यान करते हैं ना, इसको विपश्यना कहते हैं, प्रेक्षा कहते हैं, विपश्यना बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में प्रेक्षा, वैसे इसको योग दर्शन में दृष्टा ध्यान या गुणातीत भावातीत ध्यान कहा, पुरुषार्थ शून्यनाम गुणानाम प्रतिप्रस्वाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति रीति। तो ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, एक बार भी ध्यान लगाते हैं ना तो उस परात पर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, ये तो सच है कि सब नाम रूप स्वरूपों में वही एक ब्रह्म है, दिस होल एग्जिस्टेंस इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी।
और जब उस भगवान में चित्त लगा कर, क्योंकि ये सत्य है कि मनुष्य की भूते की बात नहीं कि शरीर के कोशिका या ब्रह्मांड का एक छोटा सा क्वार्क या कोई एटम परमाणु भी बना सके, तो अणु अणु में, परमाणु में, जर्रे जर्रे में जो खुदा अल्लाह भगवान परमात्मा है उसके साथ अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति जोड़ें। अनुलोम विलोम। स्वामी जी प्राणायाम करते करते एक चीज और जरा समझा दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ सरफेस पर योग नहीं करना, शायद लोगों को इस तरीके से ज्यादा बेहतर समझ में आए। जितने भी लोग नशे के आदी हैं, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, गुटखा हो, कुछ भी हो, इन तमाम लोगों को जो इसका सेवन करते हैं उनकी जो फैमिली है यानी उनकी आने वाली नस्लों पर इसका असर पड़ता है, उनके बच्चों पर इसका असर जाता है, बुरा असर जाता है। शायद ये बात लोगों के समझ में आए। बहुत बड़ी बात आपने कही। मैंने एक बार संकेत में तो थोड़ा सा बीच में बोला था, हमें कोई भी ऐसा गलत आदर्श, गलत अपने ज़िंदगी में काम नहीं करना जिससे आपको शर्मिंदगी हो। ऐसा हम क्यों कोई ऐसा काम करें जिससे कि गलत बातों की ओर बच्चों का ध्यान जाए। और ये सच है, जैसे आपने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, वहाँ माँ बाप पीते होंगे सिगरेट खूब, समाज में जिसको देखो वही पी रहा होगा, तो बच्चे भी देख करके पहले तो सूंघ सूंघ करके बाद में पी करके, एक बार जिसने पी ली फिर तो मांगेगा, हट करेगा, फिर तो बच्चे हैं और फिर बर्बाद हो जाएंगे उसमें। तो मैं गया था अबरजुनीज कहते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जो मूल निवासी हैं वो पेट्रोल को यहाँ लगा करके टोकरे में भर लिया और यहाँ लगा के सूंघे और उसी से मर जाते थे, 50 से नीचे नीचे सबकी मौत। लो तो ये तो जैसी भी आदत डाल लोगे ना वैसी गलत आदत पड़ जाती है, तो ये ठीक नहीं है जी। तो गलत एग्जांपल तो हमें कभी सेट करना ही नहीं लाइफ में, बिल्कुल ठीक। और देखो ये इस शरीर को देवालय का है, ये राम का, कृष्ण का, हनुमान का, भगवान का, शिव का मंदिर है, इसमें जब नशा डालते हैं ना तो भगवान नाराज हो जाते हैं, और जब आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सब रोगों से, दुखों से, संकटों से उबार लेते हैं। कोई कहता है शनि के तरह भूत प्रेत, कोई वास्तु दोष, कोई पितर दोष, सब दोषों से निकल कर के निर्दोष बन जाएंगे। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत करेंगे ना तो मन को बहुत गहरी शांति मिलती है। जो सना जी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे आप, बिल्कुल स्वामी जी, मैं तो यही कह रही थी कि मन को कैसे पक्का मजबूत करना है, साथ ही इन आदतों से कैसे बचना है और जिनको लग गई है वो कैसे छोड़ेंगे उसके बारे में आपने बताया। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है, किस विषय पर बात करेंगे। नींद की कमी से बॉडी हो डिस्चार्ज, क्या है थकान उबासी का इलाज, शरीर में इंसोमिया की एंट्री, योग से अच्छी नींद की गारंटी, नींद का पैटर्न 7 दिन में सुधारें, स्वामी रामदेव की योगिक क्लास में। तो कल सुबह 7:56 पर आपसे ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। और वो तमाम लोग जिनको नींद नहीं आती है या फिर बहुत रात तक जगते हैं या नींद का पैटर्न खराब है, वो सब ठीक होगा कल की क्लास। यहाँ तो नींद आती है लेकिन समय नहीं है नींद लेने का। हुसैन स्वामी जी, अब रोजाना की तरह आज की थेरेपी का तो देखो अब मैं आज आप क्या थेरेपी बताने वाले? जड़ी बूटियों के पास आ गए, मुझे ऊपर से नीचे बुला लिया। 2 दिन पहले तो भगवान शिव ने काशी में बुला लिया था शिव संकल्प के लिए, फिर दोबारा भी जाएंगे ब्रह्म संकल्प के लिए। अब ये जड़ी बूटियों ने बुलाया, बोले मेरे बारे में तो बताओ, मैं कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और भी तो एक बार ध्यान दे। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भजन गाया जाता है, ये ब्राह्मी ना ये दिमाग के तंतुओं को अच्छा कर देती है, फिर ये अश्वगंधा के पत्ते तो मोटापा को दूर करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसकी जो रूट है, जड़ है ना, ये ऐसे इसका हम अश्वगंधा का चूर्ण उपलब्ध कराते हैं, ये रखा इधर, ये अश्वगंधा के, इससे ना ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत दूर हो जाती है। अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट भी हम उपलब्ध कराते हैं, ये भी बड़ा जोरदार है, ये 100 किलो में एक ही किलो दो चार किलो ही निकलता है। फिर खैर अश्वगंधारी शास्वरतिष्ठ भी पिलाते हैं, और मैं बोल रहा था द्राक्षासों तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर ये शतावर है, शतावर के वो फल भी आते हैं ऊपर से, नहीं डंठल सा आता है, उसकी सब्जी बहुत बनती है, विदेशों में तो बहुत बनती है, यहाँ पर भी अब लोग 5 स्टार्स में बनाने लग गए। और इस शतावर की जो रूट है ना, ये जो सतावर है इसकी जड़ है, जैसे अश्वगंधा की जड़ मैंने दिखाई, ऐसे सतावर इसका भी पाउडर हम देते हैं, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्राह्मी का शरबत भी देते हैं खैर। और फिर ये आज हम 2 थेरेपियों के बारे में बताने वाले हैं। सिरोधारा, जब ऐसे लगातार ये दूध की धारा, घी
घी की धारा, तेल की धारा ऐसी चलती रहती है। अरे हमारे भाई तो लेटे लेटे भी कपाल भाती है और अनुलोम विलोम करते रहते हैं। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है और आदमी दूसरी दुनिया में, रूहानी दुनिया में, सुहानी दुनिया में चला जाता है। और जब ऐसे प्यार से कोई मसाज करे बहुत करुणापूर्वक, तो बात ही कुछ और हो जाती है। मसाज से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो स्नेहन स्वेदल ने सिरोधारा ले और इस नशे की धारा से अपने आप को बाहर निकाले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर रोज ऐसे ही रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत बनाते रहेंगे। और अब तो इंडिया भी भारत के नाम से जाना गया पूरे G20 में। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अच्छा है।